मेरा ये है कि मैं मशहूर हूँ फाइटर। टेबल टेनिस में मुझे सब कहते हैं कि ये फाइटर है। मैं आखिरी दम तक मैं मैच नहीं छोड़ती। मेरा नाम रहीला काशिफ है, मैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ और मैं रावलपिंडी में पैदा हुई हूँ और मुझे टेबल टेनिस खेलते हुए 32 इयर्स हो गए हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मैंने 1989 में लगाया था और टिल आज तक मैं माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने जब 1989 में स्टार्ट किया उस वक्त मेरी बड़ी बहन थी नायला अंजुम जो खेलती थी, मैंने उनको देखा, उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। दुनिया भर की खवातीन स्पोर्ट की दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं और मर्दों के शाना बशाना अपने मुल्क के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। इसी के साथ पाकिस्तान की खवातीन भी किसी से कम नहीं। हमें फिर स्टार्टिंग में शुक्र अल्लाह का कि मुझे इंटरनेशनल एक कैंप मिल गया 1989 में। कमर साहिब ज़ैदी साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे इस्लामाबाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने जब मेरी गेम को देखा तो उन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, तो उन्होंने मुझे 89 में कैंप में डलवाया। चाइनीज़ कोच आई थी, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ था, तो बस वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है सिलसिला। इन्हीं में रहीला काशिफ भी एक हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर बहुत से टाइटल जीते हैं। वो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, उन्होंने 13 साल की उम्र में टेबल टेनिस का आगाज़ किया। 2016 का सेमीफाइनल मेरा हुआ था आयशा शर्जील के साथ, मुल्तान में नेशनल थी और मैं आर्मी की तरफ से उस वक्त खेल रही थी और वो सेट स्कोर था 3-3 ऑल, बेस्ट ऑफ 7 होता है, ठीक है। मेरी एक्चुअल जो गेम है, मैं डिफेंस तो है बैकएंड, लेकिन मैं अटैकर हूँ, अटैकिंग प्लेयर हूँ, क्योंकि अटैक करके ही मुझे पॉइंट मिलता है और अटैकिंग मैं खेलती हूँ और मैं वो सेमीफाइनल जीती। फाइनल फिर मेरा 2016 में मेरी फ्रेंड शबनम बिलाल है उसके साथ आया था, वो मैं उससे जीती और आफ्टर 2001 में मैं जीती थी। उसके बाद इतने लॉन्ग पीरियड पर 2016 में मैं फिर नेशनल चैम्पियनशिप का मैं फाइनल अपनी फ्रेंड से जीती थी। उन्होंने टेबल टेनिस में अपना लोहा मनवाया है और मुख्तलिफ टाइटल जीते हैं जिसमें उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही बहुत से टेबल टेनिस के इवेंट्स में सेमीफाइनल और फाइनल तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान का परचम और मुल्क का नाम रोशन किया। रहीला काशिफ की बेटी हूँ और उन्होंने जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने उनको खेलते हुए देखा है। 13 साल की उम्र से उन्होंने अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था। 3 times नेशनल चैम्पियन है। उन्होंने बचपन से बहुत स्ट्रगल्स फेस की हैं, बैंस में धक्के खा के वो जाती थी खेलने और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत 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 प्राउड फील करती हूँ उनको। पाकिस्तान का एक रोशन सितारा रहीला काशिफ जो टेबल टेनिस के मकबूल खेल में जानी जाती हैं, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र से इस खेल को अपना शौक बनाया और नाम कमाया। जीतने के बाद यस बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हर मैच हर दफ़ा जीतती हूँ तो लगता है पहली दफ़ा ही जीत रही हूँ। जितनी दफ़ा भी जीतो हर मैच की एक अपनी खुशी होती है। रहीला काशिफ अपनी टेबल टेनिस की खिदमात को मज़ीद फ़रोग देने के लिए एक अकेडमी भी चला रही हैं जिसमें वो यंग लड़के और लड़कियों सबको इस फील्ड के लिए ट्रेन करती हैं। अभी मेरी एज 45 हो गई और मैं इसलिए टेबल टेनिस खेलना चाह रही हूँ कि एक तो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। मेरा क्लब भी है इस्लामाबाद टेबल टेनिस ट्रेनिंग क्लब के नाम से, मैंने घर के अंदर ही क्लब बनाया हुआ है और वो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, मैं सबको सिखा भी रही हूँ। मेरा नाम फातिमा खालिद है और मैं रहीला काशिफ की स्टूडेंट हूँ। मुझे बचपन से टेबल टेनिस का बहुत शौक था लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था, लेकिन मैम रहीला काशिफ ने अपने घर में एक स्टेडियम खोला। वहाँ पर न सिर्फ छोटों से लेकर बड़े लेकिन हर किसी को वहाँ पर ट्रेनिंग फराहम की जाती है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं रहीला काशिफ की स्टूडेंट हूँ और मैं अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। रहीला काशिफ ने कम उम्र में ही टेबल टेनिस में अपना नाम बनाया और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुल्क में खेलों को फ़रोग देने के लिए हुकूमत को इस तरह की मजीद अकेडमीज खोलनी चाहिए और उन अकेडमीज में औरतों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसके बाद वो मर्दों के शाना बशाना मुल्क का नाम रोशन करेंगी। कैमरामैन नवीद अली के साथ ईमान शहजाद, ज़ैब न्यूज़ इस्लामाबाद।